Hey guys, welcome back to the channel. This is Mr. Snooki ji. अभी सो रहा था, मम्मा सो रही हैं अभी, इसलिए धीरे बोल रहा हूँ. रात को जो है काफ़ी देर तक जगता रहा, पर नहीं मतलब वीडियोज वगैरह देख रहा था फोन में, नींद से नहीं आ रही हूँ. और अभी उठ गया हूँ, फिलहाल जो है वो कॉलेज जाना है. सो फटाफट से रेडी होते हैं, कॉलेज निकलते हैं और फिर उसके बाद जो है शाम को देखते क्या करता हूँ. मुझे बैक जाना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, क्यों स्टिफनेस ही हल्की जैसे ओपनी चाहते हो दर्द होती है. और देखते हैं इसके थोड़ी सी इसकी इसके ऊपर ध्यान देते हैं. सो घर से अभी निकल गया था मैं उस कॉलेज के लिए, और अभी जो है ना रास्ते में मतलब जो मौसम है ना वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है. तो मतलब ये तो मौसम जो है मेरे हिसाब से तो ऐसा कि घूमने वूमने ऐसा है कि घूमने फिरने निकल जाओ, भी मतलब खासकर टू व्हीलर्स पे. मतलब कि आपके पास अगर टू व्हीलर है तो आप कहीं भी अगर जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा मौसम है. बस ये कि जब खड़े हो जाते ना रेड लाइट वगैरह पे या कहीं पे भी तो थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब गर्मी ऐसी लगने लग जाती है. वैसे कुछ है वैसे गर्मी है नहीं. तो अभी फ़िलहाल मैं कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज से अभी 12:15 हो रहे हैं, वहाँ पे 2 घंटे की क्लास लूँगा और फिर उसके बाद घर आऊँगा. अभी मैं पहुँच चुका हूँ चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर भी गए हुए बहुत टाइम हो गया. मेरा दिल तो काफ़ी टाइम से कर रहा है कि चिड़ियाघर वगैरह जाऊँ. तो बात करूँगा वैसे अगर अलीशाल मान जाएगी, क्योंकि अभिनव तो है नहीं, वो तो गया हुआ है वहीं पे कनाडा. रात में उससे ही बात हो रही थी, तो अभी देखता हूँ आज आऊँगा अलीशा से कुछ बात करूँगा. और सबसे मेन थिंग जो है ना यार, क्रिसमस टाइम आ रहा है पास में और मुझे अपने घर की जो डेकोरेशन है ना वो स्टार्ट करनी है. बहुत ही तगड़ा सीन हो गया कि कॉलेज बंद है और मैं आ गया. मैसेज आया हुआ था कॉलेज के ग्रुप में कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बंद है, मैंने देखा ही नहीं. तो फिर वापस जाओ. और पता है मैं आज मेरा इतना मन था कि मतलब नींद सी आ रही थी, क्योंकि 2-4 दिनों का देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था. तो नींद मतलब सोच रहा कि सो जाऊँ, और अभी मेरा दिल कर रहा है कि घर भी ना जाऊँ, मेरा दिल कर रहा है कहीं बाहर घूमने के लिए. नेहरू प्लेस आसपास है, वहाँ चलते हैं, देख के आता हूँ थोड़ा बहुत क्या उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं. भैया चलो वापस, क्या कर सकते हैं जब कॉलेज ही बंद है. गलती भी मेरी है, मैंने देखा ही नहीं, ग्रुप में तो मैसेज आया हुआ काफ़ी दिनों से, मैंने पर देखा ही नहीं. तो अभी प्लान में जो है थोड़ा सा उलट फेर हो गया कि मैं पहले जा रहा हूँ घर और उसके बाद वहाँ से लूँगा प्रजीत को, और प्रजीत और मैं उसकी गाड़ी में फिर आएंगे हम नेहरू प्लेस. पहले तो ऐसे प्लान था अलीशा के साथ भी, लेकिन अलीशा अपनी मौसी के साथ कहीं बाहर गई हैं, तो अभी मैं और प्रजीत ही आएंगे. कॉलेज बंद था. अच्छा कॉलेज बंद था और मैं देखा नहीं, मैसेज आया हुआ था उसका, मैंने देखा ही नहीं. फिर वहाँ से वापस आया, अब मैं फिर जा रहा हूँ. कहाँ जा रहा हूँ? हवा मोड़ में. अच्छा तो हेलमेट लगाने के बाद ना ऐसे से बाल रहते कुछ. वैसे मुझ पे हेलमेट अच्छा लगता है. सही है, चलो ओके बाय बाय बाय. ओ बाय, देख ही नहीं रहा तू, कहीं नहीं जाएगा मुझे पता. ये रहा जो हमारा भाई परजीत, परजीत इसको हमने ले लिया, अब हम जा रहे हैं नेहरू प्लेस. बताओ ये सबको हेलो बोल दे. हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप? तो कैसे हैं आप, कैसे हैं आप? जाइ हूँ मैं, आप सच मत बता. ये रेड लाइट है ना यार, ये बहुत दिक्कत देती है. ये पता नहीं क्यों है इतनी लंबी लंबी देते हैं रेड लाइट भी. वो झंडा दिक्कत तो सही लग रहा है. 3, 2, 1 पहुँच गए जी हम कहाँ पहुँच गए. मैं देखो लोधी गाड़ी चलने लगा था, बेमतलब हम नेहरू प्लेस पहुँच गए. गाड़ी वाड़ी पार्क कर दी अभी. पैसे वैसे हमारे पास नहीं, हम सिर्फ घूमने हांडने आए आज. हांडने मैं पहली बार आया हूँ आज, मतलब ऐसे फालतू घूमने के लिए तो मैं जाता नहीं. वो भी इसका मैसेज आया हुआ था कि चलते हैं कॉलेज, क्योंकि बंद था. और मैंने पढ़ा नहीं भाई यार, लेक्चर्स ज़बरदस्त लगती है वहाँ. जी वैगन भी खड़ी हुई है, पॉर्श भी खड़ी हुई है, BM तो खड़ी रहती है. BM ऑडियो वगैरह तो आजकल डेली में वो है, आम से हो गई. हमारी भी खड़ी, हम भी खड़ी करके आए अभी. थोक की मार्केट है, इधर भी है उधर भी है, क्या बात है. फालतू आंडने में बड़ा मज़ा आता है. अभी तक फिलहाल हमने सिर्फ यही लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया. बस घूम रहे हैं, कवर देख रहे हैं और कुछ भी नहीं. क्रोमा सेंटर ढूंढ रहे हैं कहीं पर जाकर थोड़ा सा टाइम पास मारे, वो भी नहीं मिल रहा. अभी जो है हमने थोड़ा सा अपने फ़ोन का रेट लगवाया तो उसका आया 35,000. और मैं सोच रहा हूँ एक्सचेंज कर दूँ,
या कुछ भी देखते हैं। दिल तो कर रहा मेरा। पहले ये बता गाड़ी कहाँ खड़ी है? MNC में। गाड़ी तो तेरे को मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ कहाँ जाने की बातें कर रहा। गाड़ी जहाँ पे भी लगाई ना पार्किंग हमें मिल नहीं रही। अब कहाँ है? अभी हम हांड रहे हैं, ढूंढेंगे कहाँ पे, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। ये क्या है? तू पहले गाड़ी बता, ये क्या है? ये क्या है? मत भूल ना क्या है? क्या ये घूम फिर के फिर वहीं आ गए? अबे वहाँ यार एक्सीडेंट आ जा ज्यादा। ये है पार्टी बॉक्स 1000 GBL वो 710। ये 310 और आगे 110। इसकी आवाज़ भी सुनेंगे, इतनी ज़बरदस्त है ना, मतलब बहुत मन है इसको लेने का। इसको सुनानी है बस। आवाज़ कैसी लगी इसकी? फाड़ ज़बरदस्त। अभी हम घूम फिर के पहले हम गए हुए थे नेहरू प्लेस, वहाँ से घूमते घुमाते हांडते हुए हम आ गए हम इंदिरापुरम। ये कौन सी मार्केट है? विंडरसन मार्केट में सॉरी। यहाँ पे सारे जगह से ये मतलब स्टॉल कह रहा हूँ, मतलब लोगों के रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए हैं, उसके बाहर ही बैठने की जगह है और अंदर भी बैठने की जगह। तो अभी देखने में तो फर्स्ट टाइम ये आया हुआ है यहाँ पर, ट्राई करेंगे। ये तेरा पार्टी का, मैं इसको बार बार बोले जा रहा हूँ यही पार्टी तेरा, इसको याद रहे। अच्छा इसने बाइक ली उसकी पार्टी नहीं दी थी, इसने गाड़ी ली उसने उसकी पार्टी नहीं दी, इसने 15 ले लिया। अभी सारा कुछ मोमोज में सेटल हो गया, चांट ऐसे पड़ेंगे ना। अभी हम देखते हैं, अभी तो आए ही हैं, कोई नहीं, धीरे धीरे पता लग जाएगा क्या क्या है। मार्केट कुछ इस तरीके की है, यहाँ पे से ना टेबल्स वगैरह लोगों ने बाहर ही लगा रखे हैं, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी सही है। और आगे जाके दिखाता हूँ लोगों, ये देखो मतलब इस तरीके से रात में तो ज़्यादा सही लगता होगा। और ना मतलब जो लाइटिंग वगैरह ना वो ज़्यादा सही है यहाँ पर रात के टाइम के लिए। अब ये नहीं पता कि मतलब कितनी देर तक रात में कितने बजे तक खुला रहता है, ये क्या पता। मतलब लेके घुमाया, अभी हम बैठे हैं टुंडा कबाबी है भाई। वो अभी हमने मंगाया ये 1 प्लेट, इसमें है 4 पीसेस टुंडा मटन कलौटी कबाब विद 2 पीस पराठा, मतलब ये 300 रुपये का है। इसका मेन्यू वगैरह देख लो आप कैसा। फिलहाल तो हम पहली बार ही आए हैं तो हम टेस्ट करेंगे भी कैसा, थोड़ा थोड़ा कहीं हर मतलब अलग अलग जगह से खाएंगे, क्योंकि एक ही ला रहा है और कुछ खिलाएगा। कह रहा है कि मैं पार्टी दूंगा, इसका दिल आज खुला हुआ है। ये कहेगा गलत ही लेके आया मैं इसको आज। ये आ गए हमारे गलावटी कबाब विद पराठा, खा के बता। सही है, ठीक ठाक है ना, मेरे को भी ठीक ठाक से लगे। 7/10। अभी हम आए वो कॉफ़ी शॉप और ये मुगलाई जंक्शन जो है सेम ही मतलब एक ही शॉप है। अभी यहाँ पे हम चिकन थुपका वगैरह खाने लगे, थुपका है थुपा जो भी है वो लिया। अभी ये आ गया हमारा चिकन थुपा थुपका जो भी है, अभी टेस्ट करके बताओ फटाफट से। तो फूक मार के खा ले। टेस्टी है, अभी मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा चल, कितना
मैं ट्राई करता हूँ। आगे ट्राई कर सकते हैं। शाम का सीन कुछ इस तरीके का रहा था, जैसे लाइटिंग वगैरह ऑन हुई है, बहुत सुंदर था बैठने को, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, यहाँ पे भी बहुत सही है। दोपहर के 1:30 बजे निकले था, अभी 6:15 हो रहे हैं। आज ना एक्चुअली ये था, सुबह जब मैं उठा था तो काफ़ी ना मतलब ऐसे सुस्ती सी थी, फिर मैं कॉलेज के लिए काफ़ी मतलब ये था कि मन में मतलब मैंने प्रॉपर अपना एक मन बना लिया था कि आज कॉलेज जाऊँगा, बढ़िया पढ़ के आएंगे, तो वहाँ गए तो वो बंद। तो फिर उसके बाद जो है मैंने प्लान करा कि मैं पहले तो सोचा अकेले चले जाऊँगा, फिर उसके बाद इसका मेरे को मैसेज आया था प्रजीत का, तो मैंने कहा इसको फ़ोन करा था, कहना चल, तो हम निकल गए और अब आए 6:15 बजे। मम्मी भी फ़ोन कर रही थी बीच में। आज तो सारा दिन बाहर घूमने के बाद मैं आके मतलब जब बाहर से आया था प्रजीत के साथ में, तो खाने पीने के बाद एक तो खा वा लिया था, तो और भी सुस्ती चढ़ गई, घर आके तो सोया मैं, तो थोड़ी देर पहले उठा था, टाइम हो रहा है अभी 12:15 हो गए, 11:45 हो चुके हैं। सो आज के लिए इतना ही, व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। तो एक चीज़ और, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, चाहे उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ज़्यादातर जो मैं देख रहा हूँ यार, वो थोड़ा सा बुरा लगता है कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, लोग देखते भी हैं, अच्छी भी लगती हैं, जहाँ तक मैं फील करता हूँ कि लोगों को अच्छी भी लगती है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।